स्त्री का अपमान करने वाला, स्त्री का अनादर करने वाला, घर में रहती हुई स्त्रियों के प्रति आदर सत्कार भाव न रखने वाला, यह व्यक्ति कभी भी माँ भक्ति की उपासना के लायक नहीं है। माँ भगवती कभी भी ऐसे व्यक्तियों के प्रति प्रसन्न नहीं होती जो घर में तो अपनी स्त्रियों को, अपनी माताओं को, अपनी बहनों के प्रति जो है दुर्व्यवहार करते हैं, उनको मारते हैं, कूटते हैं, उनके साथ शिष्टाचार से बात नहीं करते और आकर के माँ की उपासना करते हैं। माँ ऐसे व्यक्तियों के, चाहे वो हजारों प्रकार के प्रयत्न कर ले, लेकिन माँ कभी भी ऐसे व्यक्तियों के प्रति प्रसन्न नहीं हो सकती। शास्त्रों में साफ साफ ये कहा गया है कि जो स्त्री निंदक है वो कभी भी माँ की कृपा की अनुभूति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो विशेषकर जो हम नवरात्रि में माँ की चरणों में हम अपने आप को समर्पित करते हैं, उससे पूर्व यह ज्ञात कर लीजिए कि क्या हम अपनी माता का आदर करते हैं, क्या हम अपनी पत्नी का आदर